इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर द्वारा आईएमए भवन में आयोजित कार्यशाला में जीका वायरस पर चर्चा हुई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर शाखा द्वारा आईएमए भवन में आयोजित कार्यशाला में डॉक्टर जीएन शर्मा को सम्मानित किया गया। कार्यशाला में जीका वायरस से बचाव एवं निदान पर चर्चा हुई, साथ ही इस वायरस के कारण पर प्रकाश डालते हुए लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। यहाँ उपस्थित हैं, बड़े विस्तार से जीका वायरस के बारे में जो व्याख्यान हम लोगों के मिले जायका वायरस चल रहा है उसके ऊपर व्याख्यान के लिए उन्होंने पीएमएच के डॉक्टर बसंत नारायण शर्मा जी को बुलाया और उनसे बोला जायका वायरस क्या है, कैसे होता है, ये एड्स मॉस्किटो के द्वारा होता है, इसमें फीवर होता है, रेसेज होती है, ब्लड स्ट्रेन होता है, लेडीज को ज्यादा खतरनाक होती है, उनको मूवमेंट किसी भी टाइम में नहीं करना चाहिए, इस पर जो उन्होंने पूरा व्याख्यान दिया। जिला राजद कार्यकर्ताओं ने रविवार को शहीद हनुमान थप्पा को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्तियां जलाकर एक मिनट का मौन रखा। महानगर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से या चीन में जो देश के नौजवानों के साथ घटना घटी उस पर जो हनुमान थप्पा और उनके साथी जो शहीद हुए उसको आज राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम लोगों ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देने का काम किया है और साथ ही ये प्रार्थना करते हैं कि उनके घर वालों को हिम्मत हो, हौसला हो। आज के समाज में जो जिस विकट परिस्थिति में जैसे जगह पर वो लोग नौकरी कर रहे हैं देश की रक्षा के खातिर, अपने सर में कफन बांधकर देश की रक्षा के लिए वैसे जगह पर ड्यूटी कर रहे हैं उनको ये देश के लोग सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इसके बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद अपनी मांगों के समर्थन में चरणबद्ध ढंग से आंदोलन चलाएगा। उक्त घोषणा एक संवाददाता सम्मेलन के जरिए वीएचपी महानगर कमेटी के महामंत्री अरुण सिंह ने की है। एक महीनों से झारखंड सरकार से कुछ मांगे विश्व हिंदू परिषद मांग रही है कि सरकार द्वारा हिंदू उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही है उस पर विलंब रोक लगाई जाए, हिंदुओं के धार्मिक स्तर व माता की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हिंदुओं के विरुद्ध दंगे में झूठे मुकदमे वापस लिए जाए, बीहीप के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए और जो प्रशासन है जो एक तरफा रवैया अपनाए हुए हैं उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। इसी क्रम में एक फरवरी को रांची में एक राज्यव्यापी धरना हुआ था। उसके बाद 8 फरवरी को सभी जिले केंद्रों में झारखंड के धरना दिया गया था। उसके बावजूद भी झारखंड सरकार जो मांग विश्व हिंदू परिषद शांतिपूर्ण तरीके से मांग रही है वो नहीं पूरा कर रही है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद अब उग्र आंदोलन करने को तैयार है और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन अब जारी होगा। पिछले 14 दिनों से आंदोलनरत टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने रविवार को यज्ञ और हवन का आयोजन किया। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर पिछले 34 दिनों से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत जिला मुख्यालय के सामने यज्ञ एवं हवन का आयोजन किया। इसके लिए बकायदा पुजारियों को आमंत्रित किया गया था। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे बाबर खान ने कहा कि यज्ञ के जरिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वे टाटा मोटर्स प्रबंधन, राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सद्बुद्धि दे। पानी का छिमका मारने बोले और इस आंदोलन के क्रम में आज हवन कार्यक्रम रखा गया है। सद्बुद्धि दे भगवान। टाटा मोटर्स
जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कि सरकार द्वारा तय जो न्यूनतम मजदूरी है वो मजदूरी इनको मिल जाए, उसको लेकर के सद्बुद्धि कार्यक्रम रखा गया है। और इस सद्बुद्धि कार्यक्रम के तहत हम लोग भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, हमारा जो अधिकार है वो अधिकार हमको मिलना चाहिए, और जिन अधिकार से हमको वंचित रखने वाले लोग हैं उनको सद्बुद्धि मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर शीतला मंदिर साक्षी में महादेव का महारुद्राभिषेक एवं हवन का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दराज से आए भक्तों ने भाग लिया। खटकेश्वर महादेव का वार्षिक उत्सव सरस्वती पूजन होता है, वह यज्ञ 9 फरवरी से शुरू है, आज उसका 6वां दिन है। अभी आप जो देखिए वो भगवान खटकेश्वर का रुद्राभिषेक हो रहा था, ये रुद्राभिषेक के बाद आरती और पुष्पांजलि होगी, मध्यान्ह करने के बाद फिर दुर्गा सप्तशती से यज्ञ मंडप में हवन के साथ पाठ होगा। झारखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इन्हीं प्रतिभाओं को खोजकर तराशने में जुटी है संस्था स्पीडस्टर और गेल। 2020 के ओलंपिक को ध्यान में रखते हुए राज्य के कोने कोने से प्रतिभाओं को खोजने और तराशने के प्रयास में जुटे हैं गेल और स्पीडस्टर संस्था से जुड़े लोग। रविवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में ऐसे चयनित बच्चों को बुलाया गया और एक ट्रायल का आयोजन हुआ। इस मौके पर राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरयू राय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने संस्था के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एसएस रज्जी भी मौजूद थे। अस्तित्व नामक एनजीओ द्वारा नेत्रहीनों की मदद के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। रविवार को उन्होंने एक बैठक की। नेत्रहीनों को एक छतरी के नीचे लाकर उनका ख्याल रखना, उनकी जरूरतों, आवश्यकताओं, उनकी शिक्षा, उनको स्वास्थ्य जांच का लाभ पहुंचाने जैसे पुनित कार्यों में अस्तित्व नामक एक गैर सरकारी संस्था जुटा है। संस्था में निर्मल प्रभा सेट्ठी जैसी समाज सेविका भी जुटी है। संस्था की संस्थापक सुलेखा ने बताया कि खासकर नेत्रहीनों को वे सदस्य बनाते हैं और हर माह बैठक कर उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं। अस्तित्व संस्था से और मेरे साथ यहाँ पे हमारे ट्रेजरर मिसेस निर्मल प्रभा सेठी हैं, हमारे कुछ बच्चे अभी आए हैं और भी बच्चे आएंगे। पर्पज़ हमारे यहाँ आने का है कि 2016 का फर्स्ट हम लोग का मीटिंग है ये, तो वो मीटिंग हम लोग यहीं पे करते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे पास तो ऑफिस है नहीं, सो जुबली पार्क में मीटिंग करते हैं। तीसरा, हमारे कई एक्टिविटीज़ है, स्पॉन्सरशिप फॉर एजुकेशन, स्पॉन्सरशिप फॉर मेडिकल, स्पॉन्सरशिप फॉर अप्लायंसेस, जो बच्चे ब्लाइंड बच्चे हैं उनको क्या दिक्कतें हैं, आई चेकअप होते रहता है हमारा, तो वो आई चेकअप के लिए बच्चों को वहाँ भेजना, तो यहाँ पे डॉक्टर कुंडू है जो हमारे अस्तित्व का फैमिली डॉक्टर है उनके पास भेजते हैं। डॉक्टर अमित मुखर्जी जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो हमारे ऑर्थोपेडिक बच्चों को वहाँ चेकअप करते हैं सुनारी में अपने चेंबर में। और अप्लायंसेज के लिए हम बहुत सारे जगह रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि नरविल हो, लॉयंस क्लब हो, तो उनके तरफ से बच्चों के लिए जो भी उनका जरूरत है वो पूरा कर। शादी का झांसा देखकर यौन शोषण के आरोपी अनिल कुमार यादव को जमशेदपुर पुलिस ने रिमांड पर लिया है। गदरा गोविंदपुर की रहने वाली एक युवती के बयान पर जिला पुलिस ने प्रियंका आनंद के नेतृत्व में अनिल कुमार यादव को हरियाणा से गिरफ्तार कर शहर लाई है। उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। मामला यही है कि गोविंदपुर गदरा की जगह है जमशेदपुर में, वहाँ से वो आदमी आया था हरियाणा से और बोला कि आपके करीब बच्चे की शादी करा देंगे और अच्छे घर में करवा देंगे। इसकी माँ इस लोग में पड़ गई, प्रतीत जहाँ तक हो रहा है तो वही बातें सारी है, और लड़की वहाँ गई, उसके साथ जो भी गलत किया गया है, तो हम लोग वहीं हरियाणा हम लोग गए थे और वहाँ के थाना क्षेत्र में लोगों से सहयोग लिया, लड़के को हम लोग करना है ट्रांसजेंडर मान के आगे उसको न्यायालय में जमशेदपुर में प्रस्तुत करना है। यातायात जागरूकता के लिए रविवार को अखिल भारतीय गंडा समाज के लोगों ने गांधीगिरी दिखाई। अखिल भारतीय गंडा समाज के लोगों ने रविवार को यातायात के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया। भालूबासा में उन्होंने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को गुलाब फूल भेंट कर गांधीगिरी दिखाई। जाता रुके
हम लोग गांधीगिरी कर रहे हैं और आज के दिन हम जो हेलमेट पहन के नहीं चलते हैं उनको फूल देकर समझाना चाह रहे हैं कि वो हेलमेट पहने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपने लिए और अपने समाज को ये संदेश और आगे बढ़ा और हम फूल देकर ये संस्था ये अखिल भारतीय गंडा समाज की तरफ से ये संस्था चला रहे हैं।